नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। वीडियो के शुरुआत में आपने जो हल्की सी तस्वीर देखी, वो तस्वीर उसी बिहार की है जिस बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, जिस बिहार में नारी सशक्तिकरण का ढोल पीटा जाता है और जिस बिहार में नारी सुरक्षा की बात की जाती है। दरअसल ये वीडियो है बिहार के गया जिले का, जो वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार सुशासन सरकार की जो पुलिस है, वो महिलाओं के हाथ और पांव तालिबानी हुकूमत की तरह बांध कर रखे हुए है और ऐसे में उनकी पिटाई की जा रही है। जो तस्वीरें वहां पर कुछ लोग दिखा रहे हैं, वो भी आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार शरीर पर मार के दाग पड़े हुए हैं, लाठी के दाग पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन महिलाओं को जब हाथ पैर बांध करके ले जाया जा रहा था, पिटाई की जा रही थी, तो उस वक्त वहां पर कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। जरा अब वहां के विधायक, बेलागंज के जो विधायक हैं सुरेंद्र यादव, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, वो भी सुनिए। आढ़तपुर गाँव है और ये शुद्ध जो है से मजदूर का गाँव है, लेबर का गाँव है और छोटा छोटा सामान्य किसान, बहुत छोटा छोटा किसान है और मेहनत मजदूरी करके ये अपना बाल बच्चा परिवार को भरण पोषण करता है। ये गांव जो बसा हुआ है आढ़तपुर, ये चारों पट्टी से नदी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। अंग्रेज भी आया था यहाँ पर, थोड़ा जुल्म किया था पर इतना नहीं किया था जितना आज लगता नहीं है कि देश में आज़ादी हो गया है। बहुत सरकार आया, बहुत सरकार गया, पर नीतीश सरकार में जो घटना दुर्घटना के अंजाम दिया प्रशासन के लोग, जितना उसका निंदा करेंगे कम होगा। चूंकि आप देखिएगा, और कल अखबार में भी छपा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चला है, मीडिया वाले को भी धन्यवाद और बधाई देते हैं कि तालिबानी हरकत क्या है। तालिबान सिर्फ गोली नहीं मारा, गला नहीं काटा, जितना बेटी बहन था, बच्ची था, बूढ़ा बुजुर्ग था, सबको तालिबान में जैसे पीछे हाथ बांध दिया जाता था और हाथ बांध के या तो गोली मार दिया जाता था या उसका गला काटा जाता था। अबोध एक बच्ची था जिसको इलाज कराने के लिए लोग लेके चल गए हैं शहर में, एक बच्ची को उठा के फेंक दिया काफ़ी दूरी पर, जिसको मुँह टेढ़ा हो गया है और काफ़ी चोट आ गया है उसको। तो ये तालिबानी हरकत है, तालिबान जिस तरह से करता था। नीतीश कुमार बेलगाम हो गया है, कोई काम तो ढंग से कर नहीं रहा है, पर सोचा कि किस तरह से जनता को मैं मुंह बंद कर दूं। तो मुंह जब बंद कर दिया तो तालिबानी हरकत से बंद करना चाहता है, चलेगा नहीं। बहुत सरकार आया, बहुत गया। एक बात हम जानना चाहते हैं, कोई भी काम के लिए जितना बड़ा सेना लेके, फोर्स लेके, पुलिस लेके, पदाधिकारी लेकर आया था, जितना गाड़ी लेकर आया था, क्या उसकी ज़रूरत थी? क्या अगर ज़रूरत थी बालू उठाने की, तो सबसे पहले यहाँ के जो लोकल मुखिया था या अगल बगल के और 10-20 आदमी या जो राजनीति करने वाले लोग थे या विधायक थे या जिला परिषद के सदस्य थे या फिर जो लोग गांव से जुड़े हुए रहते हैं। आप कहते हैं कि ग्राम पंचायत बनेगा, पंचायत में ही न्याय मिलेगा। तो सुना आपने, साफ कह रहे हैं कि तालिबान में ऐसा होता है, तालिबान में हाथ पैर बांध कर गले को काट दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। लेकिन यहां पर सिर्फ गोली नहीं मारी गई, सिर्फ जान नहीं ली गई, उसके अलावा सब कुछ कर दिया गया। अब इस खबर के बारे में हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये खबर जो है वो गया से है और गया में महिला सशक्तिकरण का जहां एक तरफ बात किया जाता है, वहीं वर्तमान समय में गया की महिला भी, एसएसपी भी एक महिला है, फिर भी नाबालिग बच्चियों समेत महिलाओं और पुरुषों को पुलिस ने पीठ पीछे हाथ बांधा और पांव बांधकर घंटों जमीन पर बिठाए रखा, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उसके बाद सभी को पुलिस वाहन में लादकर कोर्ट लाया गया। ये घटना जिले के बेलागंज की है। बेलागंज मेन थाना अंतर्गत आढ़तपुर गाँव में मोरहर नदी में बंदोबस्त किए गए बालूघाट के सीमांकन करने गए पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें पुलिसकर्मी और 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हुए हैं। खनन विभाग द्वारा मेन थाना के आढ़तपुर गांव के समीप मोरहर नदी में किए गए बालू घाट के बंदोबस्ती के बाद खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई।
भारी संख्या में सशस्त्र बल के जवानों ने यहाँ पर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस दौरान दोनों तरफ से विवाद बढ़ा, माहौल तो यहाँ तक पहुंच गया कि वहां पर पथराव भी होने लगा। इस दौरान पुलिस ने 5 राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे। ग्रामीणों द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस ने लोगों पर लाठी भी बरसाई। लेकिन ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है ये गया के बेलागंज की है, जहां छोटे छोटे किसान और मजदूर लोगों को, बाल बच्चों को यहां पर पीठ पीछे हाथ बांधकर, उनके पांव बांधकर उनकी पिटाई की गई है और महिलाओं को भी उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो है, यहां पर कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है। तो बड़ी तस्वीर सुशासन के सरकार की गया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अगर दोषी है भी तो क्या आपको ये हक है कि महिलाओं को बिना महिला पुलिसकर्मी के होते हुए इस तरह से ट्रीट करें? क्या महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत बिहार में नारी सशक्तिकरण के लिए कोई एक मिसाल नहीं है? आप समझिए कि ये तस्वीर जो है सरकार के गाल पर तमाचा नहीं तो और क्या है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।